बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का हर गुनाह किसी न किसी तरह से इबलीस शैतान के बहकावे में आकर ही शुरू हुआ, जबकि एक गुनाह ऐसा है कि जिसका मौजूद शैतान है, यानी एक ऐसा गुनाह भी है जिसे खुद शैतान ने शुरू करवाया, लोगों को सिखाया और फिर लोग उसके आदि हो गए। वो गुनाह लवातत, लोंदेबाजी या मर्दों के साथ मर्दों की हम बिस्तरी कहलाता है। नाज़रीन गिरामी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और अराक के शहर बाबुल के रहने वाले थे। फिर अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम ने वहाँ से मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा के साथ फलस्तीन तशरीफ ले गए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम उर्दन में मकीम हो गए। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत लूत अलैहिस्सलाम सदोम के लोगों की हदायत के लिए सदोम तशरीफ ले गए। मदाने सालिया के करीब बहिरा लूत, जिसको सी साठ भी कहते हैं, उसके नजदीक ये कौम आबाद थी। सदोम एक सरसब्ज शादाब इलाका था, हर तरफ की सब्जी और फल वहाँ पैदा होते थे। तरह तरह के मेवाजात, हर किस्म का अनाज शहरे सदोम में पैदा होता था। जदीद किस्म का नहरी निजाम और चश्मों से ये बस्ती बड़ी पड़ी थी। यही वजह थी कि दूसरे शहरों और करीबी बस्तियों से लोग सदोम की तरफ सैर तफरी, खाने पीने और मेहमान बनकर आने लगे। शुरू शुरू में सदोम के लोगों ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा और हर तरह से उनकी खिदमत की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दिन भी आया कि कौमे सदोम, जिसे कौमे लूत भी कहा जाता है, उन मेहमानों से तंग आने लगी और सारे लोग सोचने लगे कि कैसे इन मेहमानों को अपनी बस्ती में आने से रोका जाए। लेकिन बस्ती के लोगों को कुछ समझ न आया कि क्या किया जाए, कैसे मेहमानों को पकाया जाए। बस यहाँ पर शैतान उन पर हमलावर होता है और एक पूरे की शक्ल में कौमे सदोम के पास आया और कहने लगा कि अगर मेरी तदबीर पर अमल करोगे तो जरूर तुम्हारे मेहमान भाग जाएंगे और दोबारा भी यहाँ नहीं आया करेंगे। सारी कौम खुशी से झूम उठी और तदबीर के बारे में पूछने लगी। शैतान कहने लगा, जब भी कोई भी तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ बदफेली करो, ये बदफेली मर्दों के साथ करना। फिर अगले दिन शैतान खुद एक नहायत खूबसूरत लड़के की सूरत में सदोम की बस्ती में दाखिल हुआ और कौमे सदोम का मेहमान बना। ऐसा खूबसूरत कोरा चिट्टा लड़का इस कौम ने पहले कभी ना देखा था। कौम के सरदारों ने कहा, इसको बांध दो और इसके साथ सिर्फ हम सरदार ही बदफेली करेंगे। चुनाचे इस तरह शैतान ने कौमे सदोम को बदफेली सिखाई। बस फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेहमान इनकी बस्ती में आए तो ये लोग उनके साथ जबरदस्ती बदफेली करने लगे और फिर ये लोग इस गुनाह के आदी होते चले गए। अब बात यहाँ तक कान पहुँची कि ये लोग आपस में अपनी ही बस्ती के लोगों के साथ रजामंदी से मर्द दूसरे मर्दों के साथ बदफेली करने लगे और दूसरी बस्ती से अगर कोई मेहमान आता तो वो लोग उसको अपनी महफिल में ले जाते और वहाँ इज्तमाई तौर पर उससे ज्यादती करते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर थे। उन्होंने इस कौम को बुत समझाया कि इस शहवत ज़दा काम से बाज आ जाएं, नहीं तो अल्लाह पाक का अजाब इनको आन गिरेगा। सबसे अहम बात यह है कि मर्दों की मर्दों से शहवत पूरी करना, ये एक ऐसा गुनाह था कि जो इससे पहले किसी कौम ने कभी न किया था। कुरान पाक में कौम लूत का जिक्र 17 मरतबा आया है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है कि वो भी अय्याई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने ना की, तो तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने ये सुनकर उनका कहना सुनने की बजाय जो जवाब दिया उसका जिक्र भी कुरान करीम में है, और उसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना कि उनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पकीज़गी चाहते हैं। नाज़रीन गिरामी, इससे मालूम हुआ कि अगलाम बाजी यानी बदफेली हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की ऐजाद है, इसे लवातत भी कहते हैं। ये भी मालूम हुआ कि लड़कों से बदफेली करना हराम कतई है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया लेकिन वो इस बदफेल से बाज न आए। इसका जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह है। हजरत लूत ने कहा,
तुम क्यों नहीं डरते? मैं तो तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो, मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर मायल होते हो? और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। हजरत लूत मायूस होने की बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जिद्दोजहद में मसरूफ थे, लेकिन वहाँ तो कैफियत ये थी कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। यानी जितना हजरत लूत उन्हें अल्लाह के अजाब से डराते, वो उतना ही उनका तमस्खर उड़ाते, और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अजाबे इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह पाक ने उन्हें अब तक दर्दनाक अजाब से महफूज रखा था, और बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद उन्हें डील दी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अजाब की फरमाइश कर दी और बोले, ऐ लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। कौम के इस मुतालबे के बाद हजरत लूत को यकीन हो गया कि अल्लाह पाक ने इनके दिलों पर मोहर सब्त कर दी है और ये अब राहे रास्त पर आने वाले नहीं है। लिहाजा उन्होंने नहायत बेबसी के आलम में अल्लाह अज़्ज़ोजल के सामने हाथ फैला दिए और दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। चनाचे फरिश्ते हजरत इब्राहिम से मिलने के बाद इंसानी शक्ल में हजरत लूत की बस्ती सदोम पहुँचे। जब वो बस्ती के करीब पहुँचे तो उनकी मुलाकात हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से हुई, जो बस्ती के किनारे पानी भरने के लिए गई थी। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम आज रात इस बस्ती में ठहरना चाहते हैं। लड़की बोली, आप अभी यहाँ ही रुके, मैं अभी आपको बताती हूँ। लड़की भागती हुई अपने वालिद हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँची और बताया कि बस्ती के किनारे खूब खूबसूरत नौजवान खड़े हैं जो कि बस्ती में रात रुकना चाहते हैं। मैं उनको साथ इसलिए नहीं लाई कि रास्ते में ही बस्ती के लोग उन पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि मैंने खुद उनसे खूबसूरत कभी पहले किसी को नहीं देखा। इसके अलावा वैसे भी हजरत लूत को कौम ने मना कर रखा था कि कोई भी मेहमान उनके घर नहीं रुक सकता, सबकी मेहमान नवाजी कौम ही करेगी। खैर, हजरत लूत बस्ती के किनारे गए और उन इंसानी शक्लों वाले फरिश्तों को छुप छुपा कर अपने घर ले आए। मुफस्सरीन और तारीख दान लिखते हैं कि वो फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मैकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, लेकिन वो नहायत खूबसूरत नौ उम्र लड़कों की शक्ल में तशरीफ लाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला काफिरों से मिली हुई थी, इसलिए उसने ये राज फाश कर दिया कि हमारे घर में तीन खूबसूरत नौ उम्र लड़के मेहमान बनकर आए हैं और लूत उनको छुपा रहे हैं। बस ये सुनना था कि बस्ती के लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ लपके। अल्लाह पाक इसे यूं कुराने मजीद में फरमाता है, और जब कौम दौड़ती हुई उनके पास पहुँची, ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे, तो लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियाँ हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुसवा न करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत की बात सुनकर वो बोले, ऐ लूत, क्या हमने तुमको सारे जहाँ की हमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? और तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कुछ आजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकफियत रखते हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस हद तक मुबतला हो चुके थे। जब कौम के लोग दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुँचे तो उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वो लोग दीवार पर चढ़ गए तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। लेकिन जो फरिश्ता ने हजरत लूत को बेबस देखा तो उन्होंने हकीकत बता दी कि हम कोई इंसान नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं। फरिश्ते हजरत लूत से कहने लगे, आप आज ही रात इस बस्ती से चले जाएं, लेकिन आप और आपके मानने वाले जब जाएं तो वापस इस बस्ती की तरफ मुड़कर मत देखना। चनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम रात को अपने अहलो अयाल को लेकर निकल पड़े। उनकी बीवी वाइला भी उनके साथ थी।
इधर बस्ती के लोग हजरत लूत के घर के बाहर जमा थे। हजरत जिब्राइल अपना एक पर मारा और वो सारे लोग जो जमा थे वो अंधे हो गए। ये अजाब सिर्फ उन लोगों के लिए था जो हजरत लूत के घर के बाहर जमा थे। कुरान करीम में शाद है, और उन्होंने लूत से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दी। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को अल्लाह के हुक्म से जमीन से उखेड़ा और फिर अपने बाजुओं पर रख कर आसमान पर ले गए, यहाँ तक कि बस्ती के मुर्गों और कुत्तों की आवाजें आसमान के फरिश्तों ने सुनी और फिर उस सारी बस्ती को जमीन पर दे मारा। फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने उन लोगों पर पत्थरों की बारिश की। मुफस्सरीन लिखते हैं कि हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जिसको वो आकर लगता था। अगर कोई शख्स बस्ती से बाहर था तो उसे वो पत्थर उसी जगह जा लगा जहाँ पर वो मौजूद था। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म आन पहुँचा तो हमने वो बस्तियाँ उलट दी और उस जमीन पर कंगर के पत्थर बरसाना शुरू किए जो लगातार गिरते रहे, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से खास निशान भी थे और वो जालिमों से कुछ दूर नहीं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह पाक कैसे कैसे अजाब देता है जालिम कौमों को। आज जाएं जरा जाकर तो देखें उन बस्तियों के हाल। सदोम की खूबसूरत बस्ती को अल्लाह पाक ने बदबूदार स्याह झील में बदल दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समुन्दर के उस खास हिस्से में कोई जानदार मछली मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए तो उसे बवीरा मुर्दार कहा जाता है। उसके मगरिब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाकया है। सारी जमीन बंजर और सहरा में बदल चुकी है। अब वो दुनिया का ऐसा मुकाम है कि जहाँ जिंदगी का कोई नामो निशानी नहीं। कुरान पाक में शादे बारी ताला है, हमने उस बस्ती को श्री इबरत की निशानी बना दिया उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। बस दोस्तों, आज ही वक्त है अपने अपने गिरबानों में झांकिए। अल्लाह पाक से हर वक्त रहम की भीख मांगते रहिए, बेशक वो बड़ा रहीमो करीम है। अल्लाह पाक हमारी गलतियों कोताहियों को माफ फरमाए और हमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।